दिल्ली की राजधानी में इस समय जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। मामला दिल्ली सरकार और दिल्ली के तीनों नगर निगमों के बीच के टकराव का है। नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा है तो दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है। धरने पर पॉलिटिक्स भी चल रही है। इस बीच आपकी ओर से एमसीडी में गड़बड़ी का मामला उछाल दिया गया है, इसे लेकर विधानसभा का विशेष सत्र तक बुला लिया गया। तो क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कल गुरुवार को दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हुआ। वैसे सत्र तो एक दिन के लिए बुलाया गया था, लेकिन इसे एक दिन और बढ़ा दिया गया। आज दूसरे दिन भी दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही हुई, क्योंकि एमसीडी की जिस तथाकथित गड़बड़ियों को लेकर चर्चा कराने के लिए ये सत्र बुलाया गया था, उस पर तो पहले दिन चर्चा हो ही नहीं पाई थी। पहले दिन कृषि बिल पर ही चर्चा हुई, लेकिन आज चर्चा एमसीडी मामले पर हुई। आज की कार्यवाही शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बीजेपी पर नगर निगम में 2500 करोड़ के कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए सदन में बैनर लहराए। सीएम केजरीवाल ने भी अपने भाषण के दौरान बीजेपी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली के इतिहास में पैसों की हेराफेरी का ये सबसे बड़ा मामला है। ये आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, बल्कि आप दिल्ली की हालत देख लें, किसी से भी पूछ लें, सभी लोग यही कहेंगे कि नगर निगम में गड़बड़ी है। अगर ये 2500 करोड़ बचाते तो डॉक्टरों और सफाई कर्मचारियों का वेतन पूरा दे पाते। बीजेपी शासित एमसीडी में जो 2500 करोड़ की गड़बड़ी सामने आई है, उसने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगर 10 सालों का तीनों निगमों का हिसाब निकालेंगे तो वो हजारों करोड़ का होगा। सीएम केजरीवाल ने दावा किया है कि कोई भी मकान बनाए तो सिर्फ आरएसएस के लिए 10% का डिस्काउंट है, वरना सभी को मकान को बनाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। सीएम के आरोपों का बीजेपी ने ही सदन में विरोध किया। डीबी लाइव की रिपोर्ट।